हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से इस करंट वीडियो सेशन में मैं आपको बाइनरी ट्री एंड उसका रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बाइनरी ट्री क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे उसका शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज उसको पहले जान लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो इन शॉर्ट देख लेते हैं कि बाइनरी ट्री क्या है। तो सबसे पहले ट्री जो होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अभी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो डेटा स्ट्रक्चर वो लीनियरली ग्रो नहीं होते हैं, लेवल वाइज ग्रो होते हैं, उनको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ट्री एक एग्जाम्पल है, ग्राफ एक और एग्जाम्पल है जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और उसके टाइप्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे उसका भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बाइनरी ट्री और ट्री जनरल ट्री, कौन सा भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पर जो बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है जनरल ट्री का। तो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो चलो वो स्पेशलिटी हम देखते हैं। स्पेशलिटी ऐसी होती है कि जो नाम इसका बता रहा है कि ये बाइनरी ट्री है, बाइनरी ये जो बता रहा है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि उसके कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। तो मिनिमम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 0 चाइल्ड नोड होते हैं और मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड होते हैं। तो 0 या 1 या मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हर एक नोड के हो सकते हैं, पेरेंट नोड के हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम दो चिल्ड्रन अवेलेबल है तो उसके लिए हम उनके नाम रख सकते हैं जो कि है लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड। वो हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम ये ट्री इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें लेफ्ट पॉइंटर जो होल्ड करेगा लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और राइट पॉइंटर जो कि होल्ड करेगा राइट चाइल्ड का एड्रेस, उसके लिए हमें ये नाम देना जरूरी है। मैं ये सारी चीजें आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगले कुछ कंसेक्यूटिव स्लाइड्स में। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं बाइनरी ट्री का कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये हो गया आपका बाइनरी ट्री। जहां तक कि बाइनरी ट्री का सवाल है, उसका सबसे पहला कंडीशन था कि हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरा नोड 10 हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो गए हैं, या मिनिमम 0 चाइल्ड नोड होते हैं। 40 हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसको एक भी चाइल्ड नोड नहीं है तो उस नोड को हम बोल देंगे लीफ नोड। 10 हो गया हमारा रूट नोड। अभी ये नोड 20 देखते हैं जो कि पेरेंट नोड है जिसका सिंगल चाइल्ड है, तो ये भी अलाउड है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसलिए हो गया हमारा बाइनरी ट्री। अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्री टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है। मैं इसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बाइनरी ट्री, जो कि हमारा मेन कंसेप्ट है इस वीडियो सेशन का। सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रूट जो होता है हमारा फर्स्ट नोड होता है हमारे ट्री का। तो हमेशा जब भी हमें ट्री रिप्रेजेंट करना है तो ये जो टॉप मोस्ट नोड होता है हमारी ट्री का, वो हम उसे हम रूट नोड बोलते हैं, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत होती है। तो उसके साथ अगर मुझे ट्री एम्प्टी दिखानी है तो मेरा रूट नोड जो हो गया वो नल हो गया, और अगर मेरा रूट नोड नल है तो हम उसको बोलते हैं मेरा ट्री एम्प्टी है। हम कौन सी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर मेरा ट्री एम्प्टी है इसका मतलब मेरा रूट नोड नल है,
अगर मेरा रूट नोड नल है तो इसका मतलब है मेरा ट्री एम्प्टी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि नोड जो होता है वो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो कैसे डिवाइड होता है। तो बेसिकली नोड में तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, पर उसके साथ साथ हर एक नोड जो होता है उसमें हम लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस भी रखेंगे और राइट चाइल्ड का एड्रेस भी रखेंगे, क्योंकि इस नोड में हमेशा जो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो लेवल वाइज ग्रो होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट और उसके चाइल्ड नोड का एड्रेस होना जरूरी होता है। इसलिए हमें ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है हर एक नोड में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि नोड कैसे दिखता है। तो ये हो गया आपका नोड स्ट्रक्चर। जहां तक कि नोड का सवाल है, सबसे पहले हम उसमें इन्फॉर्मेशन पार्ट भी रखेंगे। ये लेफ्ट जो होगा ये पॉइंटर होगा जो कि लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस इसमें होल्ड करेगा, और ये राइट भी पॉइंटर होगा जिसमें राइट चाइल्ड का एड्रेस ये होल्ड करेगा। तो ये हो गया एक नोड का स्ट्रक्चर कि नोड कैसे दिखता है। अगर मुझे यही सारी चीजें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करनी है तो वो कैसे करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ट्री बन रहा है एक एक करके, वो हम नोड स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका 10 एज अ रूट नोड और अ पेरेंट नोड, 20 उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, 40 उसका राइट चाइल्ड हो गया, और अभी और एक लेवल हम ग्रो कर रहे हैं तो 20 का ये राइट चाइल्ड हो गया। अगर ये सेम वाला ट्री मुझे नोड स्ट्रक्चर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है तो हमें वो कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नोड 20, अभी उसका लेफ्ट चाइल्ड, तो लेफ्ट इस लेफ्ट वाले पॉइंटर में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये हो गया उसका एड्रेस जनरेशन, और ये हो गया नया नोड क्रिएशन जो जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट है, डेटा पार्ट है 20, और उसके भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो सकते हैं। अभी 10 का नेक्स्ट चाइल्ड देखते हैं, राइट चाइल्ड, तो ये हो गया राइट चाइल्ड। अगला वाला क्या है, तो 20 का राइट चाइल्ड है, तो ये हो गया आपका 20 और उसका ये राइट चाइल्ड। तो इस तरह से हम ये सेम वाला ट्री रिप्रेजेंट करते हैं नोड स्ट्रक्चर के साथ। अभी हम आगे देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा पार्ट होता है वो कौन से भी डेटा टाइप का हो सकता है, जो डेटा टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो। पर जो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड का रेफरेंस होता है वो पॉइंटर टाइप होता है, क्योंकि वो एड्रेस होल्ड करता है लेफ्ट चाइल्ड नोड का, पूरे नोड का और राइट चाइल्ड का। तो यहाँ पे ये हो गया उसका नोड स्ट्रक्चर कि यहाँ पे सबसे पहला हो गया उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट जो कि ऑफ टाइप इंटीजर है, और ये हो गया उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, ये हो गया उसका राइट चाइल्ड का एड्रेस। एड्रेस स्टोर करना है इसलिए ये पॉइंटर है, और किसका एड्रेस स्टोर करना है तो स्ट्रक्चर नोड का, तो उसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रक्चर नोड। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर का नोड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल जो आपको दिया है वो सी लैंग्वेज में दिया है, अकॉर्डिंगली आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट देना ना भूलिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ मैं और नेक्स्ट वीडियो सेशन का शॉर्टकट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।